केंद्र सरकार की ओर से पारित किए गए कृषि कानून के रोष के चलते किसानों की ओर से लगातार सड़कों पर उतरकर रोष प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके चलते कभी सड़कों पर चक्का जाम होता है तो कभी ट्रेनों की पटरियों पर जाम लग जाता है, जिसके चलते आवागमन के साधन प्रभावित हो रहे हैं। अपनी इस समस्या को लेकर दुकानदारों का कहना है कि त्योहारों के दिनों में और उनके माल को आने जाने में बहुत तकलीफ हो रही है। परिणाम स्वरूप उनके इस कारण व्यवसाय भी प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए ये जरूरी है कि उनके व्यापार को प्रभावित होने से बचाने के लिए सरकार आवागमन के साधनों को सहज बनाए। मैं तो इस विषय से इन्ना ही कहूँगा कि धरने देने, सत्याग्रह करने, अंदोलन करने, डेमोक्रेसी दे विच हर एक का अपना अपना हक है। अपने अपने हक का वरतों करते हुए अपनी मंगा के वास्ते प्रदर्शन करते रहना चाहिए, पर यह प्रदर्शन इस तरीके दे ना हो जान कि भी किसी दूसरे नु नुकसान पहुँचा लग पैन। अज ये स्थिति हो गई है कि किसान लगातार 20-25 दिन तो धरनिया बैठे देने और धरने रेल के उपर लाए उन्होंने तो सड़कों के उपर लाए देने, जेडे लोगों के जीवन का एक फंडामेंटल सिलसिला रोक के बह गए देना, साढ़े फंडामेंटल राइट ने वो सू रोक के बह गए देना। ना असी रेल दे रही आ जा रहे हैं तो ना ही साढ़े समान आ जा रहे हैं। एक दुकानदार को रेगुलर स्टाक 10 या 12 दिन का एक व्डे तो व्डे दुकानदार को हों इतने 20-20 दिन का जिसलिए हो गया दुकाना तो खाली हो गई है कि दुकाना के उपर करोना की मार पई है, व्यापारी अगे भुखे होए देना। उस तो बाद किसानों का इस तरीके का प्रदर्शन तो फिर उस प्रदर्शन का साइड इफेक्ट दुकानदार भुगतन, ये मेरी समझ तो बाहर की गल हो रही है। केंद्र सरकार ने किसानों को 2 बारी बुला लिया और दोनों बारी उन्होंने जान तो ना करती है, उन्होंने कोई मंगा देश का प्रमुख बंदा उन्होंने बुला रहा उन्होंने मंगा सुनने के वास्ते उन्होंने हल कढ़ने वास्ते तो फिर भी नहीं जा रहा, मतलब इन्होंने मंगा है ही नहीं है। बिना कारण तंग करने वास्ते प्रदर्शन करते पे ने, जे सचमुच इन्हों की कोई मंगा सचमुच इन्हों के कोई विरोध ने तो अपने विरोध सड़कों से रेलवे ट्रैक से दर्ज कराने की बजाय प्रधानमंत्री के PM ऑफिस या प्रधानमंत्री के गृह को जाके अपने प्रदर्शन करन ते उन्हां दी मंगां दे बारे उन्हां नाल गल करन ताकि मंगां दा हल हो सके। उन्हां मंगां क्योंकि अही भी किसानां नाल आ, उनकी उपज तो बाद ही साडा सिलसिला चलदा वा, पर यह तरीका ठीक नहीं है। व्यापारियों नूं पहले तो करोना ने मार दिता, हुण सेंटर सरकार जिहड़ी है किसानों के नाल कुछ कर नहीं रही, कोई वायदा नहीं कर रही, कोई कुछ नहीं कर रही, और पठानकोट की सारा हिंदुस्तान ही ये किसानों के धरनिया कारण सारा बिजनेस ठप होया और ना कोई समान आ रहा, ना कोई ट्रांसपोर्ट आ रही है, ना कोई ट्रांसपोर्ट जा रही है। अभी केंद्र सरकार अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेहरबानी करके यदा कोई हल करो, किसान भी जड़े अन्नदाता वे साढ़े इन्हों का भी कुछ सोचो तो कुछ अपने वालों भी उन्होंने कुछ दियो ता कि उन्हों की कोई वड्डी मंग नहीं हैगी। उन्हों की बहुत साफ जी मंग है कि MSP का एक बना दियो कि अगर ये तो लोह तो कोई परचेज करता तो वो उत्ते कोई की एक्शन होएगा। और गल उन्हों की बिल्कुल ठीक है, 2 साल तो उन्होंने बहुत वधिया पैसे देंगे, MSP तो वध देंगे, 2 साल तो बाद उन्होंने विचोलिए खत्म हो जाएंगे तो जो मर्जी लैन रेट जो मर्जी 10 रुपए चीज़ आ 2.5 कहेंगे तो उन्होंने चुकनी पैनी। उन्हां किसानां दी भी ये मंग बहुत वधिया वा, बहुत अच्छी है। पर मैं केंद्र सरकार अगे मोदी साहब अगे और कहना रिक्वेस्ट करना कि ये वास्ते कुछ ध्यान करो और किसानां नूं जिहड़ा लगा दा होया जाम लगा साडियां दुकानां दा बेड़ा गर्क हो रहा है, कोई माल आ नहीं रहा, कोई माल जा नहीं रहा, किसी नूं मिलन जाना होवे तां नहीं मिलिया जांदा। इस करके मेरी बार बार बेनती है मोदी साहब अगे कि यदा कुछ हल कढ़ो और जल्दी तो जल्दी हल कढ़ो जिहदे नाल साडा व्यापार समूह चल सके। धन्यवाद।